हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपका क्या कह रहा है, वंस डिजिट, वी हैव टू फाइंड द वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स। पहली बात उसने बोला है इसका स्क्वायर रूट की भी वंस वाले डिजिट निकालनी है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ठीक है, थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, फोर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एट स्क्वायर इज इक्वल टू 64, नाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूँ तो मैंने क्या बोला था बेटा, स्क्वायर रूट के लिए क्या साइन आ जाएगा, ये किसका बन जाएगा, ये तो था आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट की अगर बात करूँ तो क्या आ जाएगा, वन, इसका स्क्वायर रूट टू, इसका स्क्वायर रूट थ्री, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे फोर, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा फाइव, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालोगे सिक्स, यहाँ से निकालोगे सेवन, यहाँ से निकालोगे बेटा एट, ये आपका नाइन और ये आपका 10। मैंने आपको बताया भी था बेटा, यहाँ से जाओगे यहाँ से ऐसे, यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो बन रहा है आपका स्क्वायर, क्या बन रहा है, स्क्वायर, बड़ी टर्म, क्या बन रही है, बड़ी टर्म। जैसे आप क्या जाते हो, टेप उस पे जाते हो, नंबर लाइन पे, लेफ्ट से राइट जाते हो बड़ा बनता है, बड़ा यानी कि स्क्वायर। राइट से लेफ्ट पे आओगे तो क्या बनेगा बेटा, छोटा, छोटा यानी कि स्क्वायर रूट, क्या होगा, स्क्वायर रूट। यानी कि देखो बेटा, वन का स्क्वायर रूट लिया वन, रूट फोर का स्क्वायर रूट लिया टू, नाइन का स्क्वायर रूट लिया थ्री, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट लिया फोर, 25 का स्क्वायर रूट लिया फाइव, 36 सिक्स, 49 सेवन, 64 एट, 81 नाइन एंड डबल ज़ीरो 10। क्लियर, तो ध्यान रहिएगा, आई होप सबको समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर मैं बोलूँ 9801, इसकी वंस वाली डिजिट चेक करो कितनी है, वन, ठीक है, इसकी वंस वाली डिजिट चेक करो बेटा क्या है, वन, ठीक है, वंस वाली डिजिट नाइन, तो नाइन, सॉरी, वंस वाली डिजिट आपके पास क्या है, वन। तो बेटा किस किस के स्क्वायर में आपने चेक करना है, इन नंबर में से किसके स्क्वायर में नाइन वन आता है, किसके स्क्वायर में वन आता है, एक तो वन में, एक तो लास्ट वाली डिजिट क्या हो, वन, तो आपका वन बनेगा। एक दूसरा क्या है, नाइन का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है बेटा, 81, क्या आता है, 81, वंस वाली डिजिट वन बनी और वंस वाली डिजिट वन बनी। सिर्फ दो ही केसेस पॉसिबल हैं, कब, जब वन बनता है, कब, वन और नाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वन और नाइन। क्लियर, ठीक है, यानी कि वंस वाली डिजिट अगर वन और नाइन में से कोई एक होगी तो ही ये, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, नाइन। उल्टा चल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ वंस वाली डिजिट वन आ रही है, वंस वाली डिजिट वन, वंस वाली डिजिट अब मेरे पास वन है, और वंस वाली डिजिट वन कब कब है, कब कब है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो क्या क्या बना इसके सामने बेटा, एक तो नाइन बना और एक वन बना। क्लियर, अब देखो लास्ट वाली डिजिट क्या है, सिक्स, क्या बेटा, सिक्स। अब ढूंढो सिक्स किस किस के सामने, देखो ओनली वन केस, क्या, यहाँ पे, इसके अलावा एक और है बेटा, ये रहा, कौन कौन से केस में पॉसिबल है बेटा, एक तो फोर वाले केस में और एक सिक्स वाले केस में, कौन कौन से में, एक फोर और एक सिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर और जीरो वन, अगेन जीरो वन। तो वन के लिए क्या क्या कंडीशन है आपकी, वन और नाइन। लास्ट वाली डिजिट फाइव किसके केस में, देखो बेटा लास्ट वाली डिजिट फाइव, फाइव का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, फाइव, क्या आ रहा है, फाइव, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, फाइव, क्या आ गया यहाँ से, फाइव। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के आपने क्या निकालना है, ये बताना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं है। क्या निकालना है बेटा, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं है, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन क्या निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, परफेक्ट
स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं बेटा जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि देखो बेटा 1 के बाद सीधा किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो रहा है? 4 का। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट क्या है? पॉसिबल। जिनका स्क्वायर रूट क्या है? पॉसिबल। तो पार्ट दिए हुए देखो बेटा 153, 257, 408, 441। तो बेटा ध्यान से रखना, ध्यान से देखना एक बार, स्क्वायर रूट सिर्फ किन किन का पॉसिबल है? जिनके लास्ट वाले डिजिट क्या हो, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, इन्हीं का क्या पॉसिबल है बेटा? स्क्वायर रूट। इन्हीं का क्या पॉसिबल है? स्क्वायर रूट। अगर इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो मेरे को चेक करना है किस किस के वंस वाले डिजिट 1 है, तो यस, ठीक है, 4 है तो यस, 9 है तो यस, 6 है तो यस। अगर मैं यहाँ से वैल्यूज निकालूँ तो क्या क्या होनी चाहिए बेटा, 1, 4, 5, 6, 9 और 0, इवन नंबर ऑफ जीरोज। अगर किसी के वंस वाले डिजिट ये हैं, वंस वाली डिजिट ये हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो वो क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो वंस वाले डिजिट फाइंड आउट करो बेटा, 3 क्या है लास्ट वाले डिजिट? 3। तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 9। क्या लिख दोगे? 9। 7 देखो बेटा, 7 है तो 9। 8 है बेटा कहीं पे तो 9। 1 है बेटा तो इट मीन्स यस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। किसकी वैल्यू निकालनी है? स्क्वायर रूट की, यूजिंग सक्सेसिव सबट्रैक्शन। क्या यू कौन सा मेथड यूज करना है? सबट्रैक्शन वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपने किस किस का निकालना है? 100 का। तो बेटा जब भी आपको बोला जाए कि ऐसा काम करना है तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से आपने क्या करना है, ओड नंबर्स लेते चलना है। क्या करना है? ओड नंबर्स लेके चलो शुरू से। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, जो 2 की टेबल में नहीं आते सबसे पहले वो माइनस करो। 100 में से 1 गया 99, जो आंसर आ गया उसमें से नेक्स्ट ओड नंबर, नेक्स्ट ओड नंबर क्या बेटा? 3, ठीक है। माइनस किया 96, नेक्स्ट ओड नंबर क्या है? 5, तो कितना आ गया? 91। तो 91 के बाद यहाँ 5 आ गया बेटा, 5 से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है? 7। तो 7 अगर यहाँ से माइनस करोगे तो बेटा देखो 1 और 6, यानी कि 84। 84 में से नेक्स्ट ओड नंबर यानी कि 9, क्या निकालोगे? 9। तो 84 में से 9 गया बेटा, 4 यहाँ से गए, 5 वहाँ से, 75। तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या बचा? 11। 11 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 77 में से 5 गए, 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा? 64 में से आपने क्या माइनस करना है? 13। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा? 15। 5 में से 6 गया, 11 में से 5 गया बेटा 6, 4 में से 1 गया 1, ठीक है, सॉरी 4 में से 1 गया आपका 3। अब नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा? 17। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है? 17। तो बेटा 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। नेक्स्ट नंबर क्या है? 19। तो 19 में से 19 गया 0। यहाँ तक आपने चलना है जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। अब स्टेप करो, काउंट करो कितने ओड नंबर आपने सबट्रैक्ट किए। 1 ओड नंबर, 2 ओड नंबर, 3 ओड नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने ओड नंबर आपने सबट्रैक्ट किए बेटा? 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 10। क्या आ जाएगा? 10। और ये कौन सा मेथड है बेटा? सक्सेसिव डिफरेंस, यानी कि सबट्रैक्शन वाला मेथड है। नेक्स्ट इज 169। सेम वे से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? 169।
सिर्फ आपने ओड नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है बेटा। 169 सबसे पहले 1 सबट्रैक्ट किया 168, फिर 168 में से नेक्स्ट नंबर क्या बेटा 3, तो क्या आ गया 165। नेक्स्ट नंबर क्या बेटा 5, तो 165 में से 5 गया 160। 160 में से 7 सबट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपका बनेगा 153। 153 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा 9, तो यहाँ से बना 144। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा 11 कर दो माइनस, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, सॉरी यहाँ पे 144 आएगा बेटा, सॉरी, तो यहाँ से बना आपका 4 में से 1 गया बेटा 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 1। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा 13 कर दो 13 माइनस 0, 3 में से 1 गया 2, ये 1। तो 120 में से नेक्स्ट नंबर क्या बेटा 15, नेक्स्ट क्या है 15, तो यहाँ बना 105। 105 में से नेक्स्ट क्या है 17, तो यहाँ से गया बेटा आपका 15 में से 7 गया, यानी कि 8, 15 में से 7 गया बेटा आपका 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया बेटा आपका 8, तो 88। नेक्स्ट नंबर क्या बेटा 19, देखो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा 21, तो 9 में से 1 गया बेटा आपका क्या बना, 9 में से 1 गया आपका बना 8, यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ से 6 में से 2 गया आपका 4। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा 48 में से नेक्स्ट ओड नंबर 23 माइनस करोगे, 8 में से 3 गया बेटा 5, 4 में से 2 गया 2, 25 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है बेटा 25, क्या आ गया 0। ठीक है, अब काउंट करो कितने ओड नंबर सबट्रैक्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। एक और बात बेटा, ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या है, 169 की पावर 1/2, ये ध्यान रखना। जो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, क्लियर। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।